हेलो, वेलकम टू एनलाइवनिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटीज़ एंड देयर सोब्रिकेट्स। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इसकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे कुछ पर्सनैलिटीज़ और उनके सोब्रिकेट्स। दोस्तों, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। फ्यूहरर, दोस्तों फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट थे मुग़ल सल्टनेट पीरियड के। इन्होंने काफ़ी लंबा कार्यकाल देखा है, 5 राजाओं का रूल देखा है अमीर खुसरो ने। बंगाल केसरी दोस्तों कहा जाता है डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। शहीद आज़म दोस्तों कहा जाता है भगत सिंह को। दीन बंधु कहा जाता है सीएफ एंड्रूज़ को। दोस्तों, इनको दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने दी थी। ये एक मिशनरी थे जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने इंडिया आए थे और इन्होंने काफ़ी काम किया है लोगों की पॉवर्टी और कास्ट अनटचेबिलिटी एलिमिनेशन के लिए। तो इनको दीन बंधु का टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था। अन्ना कहा जाता था सीएन अन्नादुरई को। देश बंधु, दोस्तों दीन बंधु और देश बंधु में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दीन बंधु हमारे सीएफ एंड्रूज हैं और देश बंधु हैं चित्रंजन दास। राजा जी, दोस्तों राजा जी सी राजगोपालाचारी को कहा जाता था। मिशावली ऑफ इंडिया, दोस्तों मिशावली ऑफ इंडिया चाणक्य को कहा जाता है। यंग टर्क कहा जाता है चंद्रशेखर को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स कहा गया है डीजी फाल्के या डुंडीराज गोविंद फाल्के को। मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है दोस्तों ध्यानचंद को। बिहार विभूति कहा जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। देश रत्न कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार केसरी दोस्तों कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम जी को। अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है जैनुल अब्दीन को। चाचा कहा जाता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को। लेडी विद द लैम्प का टाइटल दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। हरियाणा ह्यूरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। मैन ऑफ पीस कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाल बाल पाल, दोस्तों लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के लिए टाइटल यूज होता था लाल बाल पाल। स्वर कोकिला कहा गया है लता मंगेशकर जी को। गुरुजी कहा गया है एमएस गोवालकर को। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया है महाकवि कालिदास जी को। गुरुदेव कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। बापू कहा गया है महात्मा गांधी को। मदर कहा गया है मदर टेरेसा को। मैन ऑफ डेस्टिनी कहते थे नेपोलियन बोनापार्टे को। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन को कहा गया है ओटो वैन बिस्मार्क। उड़नपरी दोस्तों कहते हैं पीटी उषा जी को। महामन्ना कहा गया है पंडित मदन मोहन मालवीय को। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनाइसेंस कहा गया है राजा राम मोहन रॉय को। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया समुद्रगुप्त को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है सरोजिनी नायडू जी को। बंगबंधु दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को कहा गया है। नेताजी कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। लिटिल मास्टर दोस्तों कहा गया है सुनील गावस्कर को। सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसलिए सरदार कहा गया है वल्लभ भाई पटेल को। बार्ड ऑफ एवन, दोस्तों बार्ड ऑफ एवन कहा गया है विलियम शेक्सपियर को। देशप्रिय कहा गया है यतेंद्र मोहन सेनगुप्ता को। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। लिटिल कॉर्पोरल दोस्तों कहा गया है नेपोलियन बोनापार्टे को। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।